गोंडा। शुक्रवार को थाना करनेलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर पुलिस अध्यक्ष गोंडा आकाश तोमर द्वारा तत्काल डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा वही वादी यूनुस अली पुत्र हुबदार कपूरपुर साई ताकिया थाना करनेलगंज जनपद गोंडा की तहरी थाना करनेलगंज में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अध्यक्ष गोंडा द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु SOG व सर्विलांस टीम सहित करनेलगंज को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनेलगंज व SOG की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त मेनुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे आला कत्ल एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त मेनुद्दीन द्वारा बताया गया कि मृतिका मेरी पट्टीदार थी। मैं गांव के अगल बगल के कई लोगों से बात करती थी जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण मैंने दिनांक 28 अप्रैल को सूफिया की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनेलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। 28 तारीख को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी रात्रि 9 बजे के करीब कि एक महिला का शव मेजापुर चीनी मिल के पास रेलवे पटरी के किनारे पड़ा हुआ है। उसके क्रम में पुलिस मौके पर गई तो ज्ञात हुआ कि महिला जो थी वो सूफिया नाम की थी और ये कपूरपुर साई तकिया गाँव की रहने वाली थी और इसकी हत्या हो गई थी। तो इसके क्रम में इनके ससुर के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें हम लोगों ने 302 का मुकदमा कम करना पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने का प्रयास किया। इसके क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इसके जो